त्यूर गोर खाजु जाए तो बलो छोटा बच्चो था बलो उर्ख्याल होंदे कूट देना जाए। अब आज तक तो सबसे बड़ो प्रतीक ई चीज थी हमारे उत्तराखंड इले ही देव भूमि बोले गए सुबुंदो सुबुंदो। अच्छा लेख भी तसु कलम कलम काम कलम हेलो दगड़ियों, स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा कर दो कि आप सब स्वस्थ वेला और मस्त वेला। अभी आप स्वागत करो जो अपर गांव को फेमस कोलन बटे। तो अभी हम छो जाना दीबा दीबा मंदिर छमर गांव में थी घसेरी दीबा और दादी हमको ब्रेकफास्ट बनाना छी दीबा मंदिर को। खड़ी चढ़ाई जो खेरा जान भी थे ना मोटा पजाद भी गई तो थोड़ा खेरा जान बाकी चढ़ाई खड़ी जो उसकी तारीफ हो जाएगी कुछ इन रास्ता चो चिपले रास्ता नीच तो आई थिंक पहुंच गए हाँ। ये अभी है और नहीं यार इतना ही है गाइस मजा आ गया प्यास लग गई एक तो हम बिना खाए पिए आए ना तो ये लगे हुए आंवले ओ माय गॉड गाइस ओनली छक्के लग रहे अब क्या करते हैं प्रकृति का आनंद ऐसे लेना चाहिए बिना धुले बिल्कुल प्रमाणिक एक और दे दे ना जब जब आप आती है ना वो ज्ञान भी देगी दिया वही था ना लेकिन जब एक प्रकृति भी ये ची तुंगा तुंगा खाते हाँ खट्टा खट्टा होंगे कभी तो फाइनली शायद आप पहुंच गए हम अरे ना अभी तो 25% और रही हूँ तो पहुंच गए हम दीबा मंदिर तो ये नहीं रूपम रखियो प्राचीन जन स्थापित हुआ है उन्हीं आज भी ये दीबा मंदिर जन स्थापित हुआ है वही रूपम छ अभी भी यो ये कर मंदिर रिकॉल हां यो तो रिक खानी ज्यादातर ये बीचक फल हां ये बीचक फल तो रिकॉल ए यो ये हां रिकॉल ये रिक खाए दिन ये इलाका में रिक जरूर वाले खाते लेकिन किसी दूसरे मतलब एक ही पैन सूज दिन पूरु जन ये बांझ ये भी बांझ है ये भी बांझ है ये भी बांझ है ये बांझ है पानी सूखेगा तो पानी देगा भी धीरे धीरे ये कुछ नहीं करना ये आग लगना सबसे बड़ा कारण है पीरू पीरूला छुदगिन माने छुदगिन पर आग लग गया छुदगिन माने छूता तो जग जग गिर कल वो आग आग लग गया हां मतलब ये आग लगने में बहुत चीड़ थई उकरण से चीड़ हटाओ बांझ लगाओ
आओ रे चढ़ाओ, तुंगा चढ़ाओ भाई, तुंगा है। दीप हम चढ़े जान प्रसाद गुड़ जब गांव हमारे बने सके बने मतलब सामूहिक जब घास कटे जान जंगल हाँ तो वे क्यों कि एक नियत समय रहे सभी को बराबर एक टाइम पर जान सभी घर एक दगड़ा और जो बिड़गा होंगी घास का फंचा वो एक रसल नपे जानी बराबर करी के बराबर हाँ सब तो मतलब बराबर मिले थे तो वो ऐथर बड़े जो मतलब काफी दूर वालो तो यम लास्ट यम सकें तो वे दिन सब जो जो हमारे जद कभी मातृ शक्ति जो बने कर दी तो सभी परिवार बड़े एक एक भेलिया मान सबसे पहले हम दीव मात है सकुशल हमारे बने कटिया जो जो दिन की भैया तेरी छत्र छाया में हाँ धन्यवाद ज्ञापित दिन कर दो माँ के चरणों में और वे एक बार सभ्य जो है जो भी मतलब कोई दराज दुराज टूट टूट जाने भी यकी रख दें दी है ना लेकिन माँ का आशीर्वाद हमेशा बनी हो रहे और तब जो है कि वी भैली जो जामा पर देगल फिर एक दूसरा घरन देने जो हमारे क्या कहीं फड़ी एक हिस्सा या मिल जाने या एक हिस्सा बटे जान जो भी मतलब हो बैग एक जो हिस्सा रहे ना अबर घा ली जाए ना एक हिस्सा तक बांट जाए ये भी बहुत पुरान प्रचलन काफी घसेरी दीवा इले बोलते हैं अगुएर दीवा अगुएर दीवा एक इले बोले जान की जी भी हम गोली जो ला तो गोली जान मामले एक जो जो ये तुंगा का पात चढ़नी और तुंग आन जान अब तुंगा का पात चढ़ानी मतलब अमर मन में एक रहन की माँ भगवती दीवा माँ अमर जो गोरु रक्षा करी अब जब हम वापस आंदो गोर हमारा जाना रही तो हमल फिर द्वी पत्ता तोड़ के अरे हम चढ़ा देने कि आज जो हमारे तीन बड़े मांग छाए वो तिल हमारे पूर्व ध्यान रखा हमारा गोर जो सकुशल जाना चाहिए फिर तो ये रोज हमारा रूटीन रहे हमारो जित कभी हमारा गुहेर रंदी तो ये इले एक गुहेर दी भाई बुले जा अच्छा बहुत सुंदर जानकारी और कई वो भी छी प्रचल बात भी छी कोई बात की पुराण जो हमारे गाथा छी की भाई जब बल गोरखाओं का शासन चाहे हाँ कत्यूर गोरखा जो चाहे तो बल छोटा बच्चो तो बल उर्ख्याल होंगे कूट दें चाहे अब ये पुरानी मान्यता छी कर घर सच्चाई छी तुम्हें बोल नहीं सको है ना लेकिन हाँ लेकिन सुनियो हमारा लेकिन अत्याचार तो है जी लेकिन बल जब गोरखा आंदा चाहे तो बल दीवा धे लगान चाहे कि हाँ अपना नन लोड़ो थे जो लुका दे एक दूसरे बल जब माने कोई जानवर जान हमारा जो भी बोल दे छी बैल जब हम खेती कर दो अगर बल कह जो कि बड़ो वैसे मतलब भने टाइम तक जोते ले तो या गुयर दी बात अपरा गोरु विशेष ध्यान रखी चा तो धय लगा दिन चा कि फलाना अब तो बोल मिल दे रहे कि टाइम हाँ टाइम भंडे हो गया ये जो टाइम जो भंडे हो गए अभी तू शोषण करो छे इले तू बोल मिल धय लगान चाहिए दीवा तो यही मान्यता छी आज तक तो सबसे बड़ो प्रतीक ई चीज छी हमारे उत्तराखंड इले देव भूमि बोले गए दूसरी चीज है ये जो दुई ढूंगा छी यू बारे में जानकारी हाँ यू खण यू वृक्ष कर दी बल तो यो जो हर साल जब भूमि पूजन दी यू बनने वो बनने जानी यू गण कुत्ता बोली यू गण की यू वृक्ष कर दी बल है ना तो जन अभी भूमि पूजा ला तो ये फिर जो दोबारा भी बोले दुबरा मतलब हाँ बांध देनी हो बबुल छे हाँ बबुला का बढ़िया रंदी यो हरी तो जब भूमि पूजन दी रक्षक छी दुए छो हां ती रक्षक छी तो जब भूमि पूजन दी तो ई सब बूंद आ वे दिन जत का भी गुए राला सब कणा मले खाना जो से ताल वे दिन दिवा माता की जय चलो भाई साहब बहुत सुंदर जानकारी यहां इधर बहुत सुंदर जानकारी दी चाचा श्री ने हमें और अब हम करते हैं स्वादिष्ट नाश्ते स्वादिष्ट नाश्ता हम लेके आए हैं कंडी में तो उसका हम आनंद लेंगे अब मिली हमें ये सोलक सुलकिन सो सो न्यू सोल जगन बोल दी सीआर सेही सीआर सेही अच्छा श्याल श्याल सोलू सोलू दो एक सुलकिंदा वे पर बांध रंदी पैतर रही बहुत सुरक्षा दो
बटन नहीं खोलियो चार घुमान पर लिख गुटकी की बन गई क्या सैंडविच पापड़ था ये इसको ऐसे खाते हैं इसे इसको ऐसे ऐसे मोड़ते हैं ऐसे 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 गप बनाते इसको ऐसे ऐसा कितनी सुंदर तो पूजा अर्चना करने के बाद हमने डिसाइड किया हम चौंडी के रास्ते जाएंगे। चौंडी हमारी ग्राम सभा में आता है मल्ली चौंडी और मेरे को माल्टे का लालच दे के ले जाया जा रहा है। सक्षाट लगे धीरे धीरे तो हम पहुंच गए चौंडी गांव समझ कक्षिर है इन जगह को बोल दे पानी खोल तो इन्हें भी बने कटे देखे वर शुरू हूं तो यहाँ पे ना नमी रहती है पानी पानी इले यखा नाम पानी खोल चो एक नमी रहें और ये देखो पाला पुड़ी सर धीरे धीरे उम्मीद दिखते हुए घर दिखने लगे ये कब कोई नहीं रहें मतलब रहें चीव दादा जी लोग पली छाल कांडम रही जू क्यों घर च देखो नहीं एक हमको स्कूल चूँ को नज़दीक और स्वास्थ्य की तो दूर दूर तक कोई बात नहीं है तो इसलिए थोड़ा आगे रहते हैं दादाजी लोग पर और अभी भी वो घर आना जाना रहती पूजा पाठ हो या कुछ भी हो आना रहती कदा परिवार रहती एक प्रतिभा है। अभी हम छो मल्ली चौंडी गाँव में जो कि हमारे गाँव से बहुत मथी और बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी दीवा से भी बहुत ऐथर जानो ना तो कन के जान रहा होला कभी पापा कह रहे गए हम थे तो अकेला घर से बोले एक वक बल्लिम बलुम वाला वहाँ की बने छो ओ मेरी माटी ओ मेरू पानी हे मां ओ ठंडी धार पानी की छलार सब की जानी होली की जानी होली ओ मां ओ ठंडी धार पानी की छलार हे मां ओ मेरी
जान दफनी यख बैठी अपनु सोर्यास निहारी होली ओ माँ आए के कुछ नहीं मिल हम तो एक लिम बना रही थी सब खा ले रही हूँ अमरूद खा कल ची पर अमरूद ओहो अमरूद के पेड़ है मतलब लेके आये हम देर जाए हम हाथ पकड़ लीजिए हर तुम बोले अगर भेजने की दर्शक गण देखते हुए एक वाला खा लिया है तो यो पानी खोली कभी हम पैर रहे छा बोले प्राकृतिक जल स्रोत छा यो भी घसेरियों में पैर पींदे छा आज पानी भी सूख गया है यो 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 रे पत्ता बोल गोर भी कख कख च पानी मो कन खांदी है तेरी निकाल के इसके डंठल खाते हैं जब किसी को गर्मी हो जाती है तो ये ठंडक प्रदान करता है ठंडी जगह पे होता है खंजड़ी तो ये है पलियो अगेन एक और निशान आपको जगह जगह मिलेंगे इन पत्थरों पे हमारे गांव की जो मात्र शक्ति है जब जंगल में घास काटने आती हैं तो वो अपनी दराती की धार को पैना करते हैं जगह खन बोलते बिसोना ढूंगू जब गांव हमारे गांव से सारी महिलाएं घास काट के लाती जंगल से तो यह हम बिसान अच्छी हर तब हम थोड़ी देर सांस सेंदी कह कह का अधरे बेंदी यो जो बिसोना ढूंग है बहुत सुंदर तो अभी हम छो जय रस्तम खन बोल दी शिमला बुजो यानी शिमला बाईपास और अभी ऐसा से डाबर अब डाबर दिखो लो मैं इसका सफेद किला हूँ शिमला बाईपास शिमला बुजो हाँ बोलते हैं शिमला बुजो गाँव अच्छा नहीं है सर ऊपर बोलते डाबर तो यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बच्चन साहब हैं डाबर पीछे हमारे गाँव छन्नी डाबर और एक बात बहुत नज़दीक हमारे गाँव रामा फिर रामा फिर हाँ फिर छोया से हमारा गांव दिखना शुरू हो जाता है तो फाइनली हम पहुंचे हो हमारे गांव बीच और अब करता ये ब्लॉग को एंड मिलता छा नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।